हमने तुम्हें कभी परेशान किया, कभी तुम्हें भूखा रखा, कभी तुम्हें गाली दी मैंने, आर्यन पछताए रहे नहीं, मैंने तुम्हें कभी मारा, हम रोए रहे नहीं, क्या रो क्यों रहे? मैंने तुम्हें कितना समझाया कि अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो। अगर दूसरे के बारे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, जिसके ऊपर हो इसको क्या बनाया, बहन बीबी लड़की जो भी बोलना सच बोलना। मेरी सासु माती, जिसके ऊपर हो ये तुम्हारी कौन है? हमारी बहू थी, सासु माँ है हम इनके। अच्छा, इस जिसके ऊपर हो तुम इसकी सास हो, सासू जी हो? हाँ, क्या तुम समझो, समझाओ नहीं वो पीछे करके आगे आ जाओ, जरा कि भाषा हमें कम आ रही है तो आप बताओ, पूछो कौन? बताओ। हम बहू थे। क्यों मरी फिर तुम? मरे क्या? हाँ, हमारे भाई भाभी आए थे। हाँ, सो उसने जा कही थी कि जो समझ में आवे सो कर ले तुम, हम निपट लेंगे। उसने मेरी बुद्धि पलटी दी, इसलिए हमने फांसी लगा ली। जिस भूतों से बातचीत कर रहे हैं, इस ये आपकी कौन है? ये मेरी घरवाली है। आपकी घरवाली के ऊपर जो बोल रहा है वो कौन है? ये तो मेरी मम्मी है, मतलब जो खत्म हो गई थी। अच्छा, तुम्हारी बीवी बोल रही है? अपनी सासू जी के ऊपर है? अच्छा अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम गीता। गीता तुम कैसे मर गई थी? पट्टी खोलो। गीता तुम कैसे मर गई थी? देखो, हमारे मायके तो भैया भाभी आए थे, ठीक, सो आप उसमें हम बहन भाई बतलाने लगे। क्या ये क्या बातचीत कर रहे थे? अच्छा, भाई बहन, भाई बहन। भाभी, हाँ, मेरी भाभी भी थी, तो भाई बोला मेरा कि गीता तुम्हें कोई तंग रखता जे बैठा। तो ये क्या तुम्हारा पति तुम्हें तंग करता था? नहीं, इसने करा नहीं दिया। अच्छा, पर मेरे भाई वो नहीं था, सो उस भाई ने मेरी दिमाग खराब कर दिया। तो फिर तुम कैसे मर गई? फिर क्या, घर पे कोई था नहीं, बच्चे मेरे स्कूल चले गए। कितने बच्चे थे? लड़का कितना, लड़की कितना? दो लड़का। दोनों लड़के थे वो स्कूल चले गए। लड़कों का नाम? अभी था आदित्य थे। अभी आदित्य, वही बताए, वो उसका लड़का है, तुम्हारा भी है, मगर वही बताए, याददाश्त चेक कर रहे हैं। दूसरा लड़के का नाम? बड़े वाले था अभी, ठीक, अब छोटे वाला था आदित्य। तो फिर तुम कैसे सुसाइड किया? सुसाइड क्या किया, हमारी बुद्धि खराब हो चुकी थी। कैसे? हमारे भाई आए थे। हाँ? मेरे भाई मेरे पास बैठे। अच्छा, हाँ, तो बहन भाई में आपस में हमारी बातें चल रही थी। सो भाई ने कही गीता तेरी जो समझ में आवे सो कर ले। अच्छा, और हम निबट लेंगे। अच्छा, तो फिर तुमने क्या किया? फिर क्या, हम आराम फांसी लगा लिया। कै बज रहा था उस समय? 11:30। राइट, 11:30 बजे। टाइम था। कपड़ा क्या पहनी थी? मैक्सी। सही है, यही पहनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तुम्हारा पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हुआ। तुम्हारा पति का कोई कसूर नहीं था? कसूर किसका था, दुनिया को पता चलना चाहिए ना। हमारे भाई का कसूर था। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? राजिंदा। क्या बोला तुमको, क्या पढ़ा के गया था? उसने किया था, कुछ किया था। हाँ, बोले मेरे दिमाग में बात बैठा नहीं, फिर मेरे दिमाग में बोई भरी गई थी। क्या दिमाग में बातें बैठा दी, फिर उन्हें यही अच्छा लगा कि हमें यही करना, यही करना चाहिए। तुम उत्तेजन किया, सुसाइड करने से पहले सोची नहीं तुम्हारे पति अच्छे, तुम्हारे बच्चे अच्छे, फिर इन बच्चों का क्या होगा तुम्हारे? हमारे फिलहाल पति तो अच्छा, तो अच्छा था। अब मेरे घर पर कोई हता नहीं। आंख खोल के देखो, ये देखो सामने कौन है, ये देखो, ये इधर देखो, इधर देखो, ये कौन है तुम्हारा? जो मेरा, ये कौन है तुम्हारा? मेरा पति। पति, जो की ये कौन है तुम्हारी औरत? ये तुम्हारा
मम्मी 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 है तुम्हारी। कितना पढ़े लिखे हो? मैं प्लस टू इंटर कर रखे। इंटर कर रखे हो। ये तुम्हारी माँ है? हाँ, ये माँ है मेरी। अब जो आत्मा बात कर रही है वो तुम्हारी पत्नी है? हाँ, वो पत्नी है मेरी। ठीक है। हाँ। और ये क्या बोल रही? तुम्हारी माँ के ऊपर जो है ये बोल रही मेरी पति है। हाँ। तो मतलब जनता ये ना सोचे कि ये मियाँ बीबी है, ये माँ और बेटा है। ये उसकी रूह आई है, ये आत्मा रूह जो भी आप मानते हो, तो ये सुसाइड कर ली थी। अच्छा, सुसाइड करने के बाद ये बताओ कि अच्छा था या जिंदा थी जब अच्छा था? लोग सुसाइड करते हैं, ये गलत करते हैं या नहीं करते हैं? तो हम सही थे, पर मेरे अंदर गुस्सा इतनी भरी रहती थी, भाई ने मुझे पानी पर रख दिया और हमने अपना पानी पर रख दिया, मतलब उत्पीड़न कर दिया कि तुम्हें जो सही लगे। अच्छा, वो तुम कर। कितना पढ़ी लिखी थी? इंटर। इंटर पढ़ी थी, बताइए। हमने तुम्हें कभी परेशान किया? कभी तुम्हें भूखा रखा? कभी तुम्हें गाली दी मैंने? मैंने तुम्हें कभी मारा? हम रो ही रहे नहीं, क्या रो क्यों रहे? मैंने तुम्हें कितना समझाया कि अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो। अगर दूसरे के बारे में, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। तुमने सोचा बच्चों के बारे में? बुद्धि नष्ट हो गई थी। बुद्धि नष्ट हो गई थी फिर भी तो सोचती नहीं? सोचा तुमने तो? क्या सुसाइड करके तुमने सही काम किया या गलत किया? नहीं, गलत। गलत है ना? सुसाइड हम कहते हैं किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हाँ, हाँ। स्थिति जैसी भी आए, परिस्थिति जैसी भी आए, लड़ना चाहिए। सूरज चांद में भी ग्रहण आता है, क्या वो सुसाइड किया कभी? चांद सूरज ने कभी सुसाइड किया? कभी नहीं किया। चंद देरी के लिए, चंद मिनट के लिए आता है, फिर हट जाता है ना। उसी तरीके से किसी भी लेडीज को, किसी भी आदमी को सुसाइड तो करना ही नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ हमें, 20 जून को हमारी मम्मी नहीं, तुम्हारी पत्नी। हाँ, पत्नी सी बात कर। मम्मी नहीं है तुम्हारी, इस समय पत्नी है। मम्मी से भी बात कराएंगे, पत्नी से बात कर। 20 जून को हमारी सालगिरह थी, ठीक ठीक है। उसके बाद फिर हम कहाँ गए घूमने के लिए? हाँ, काम की बात पूछो। कहाँ घूमने गए थे? हम गए थे बच्चों को लेके गए थे स्कूल। स्कूल कहाँ गए थे? जब हमारी सालगिरह होने के बाद में फिर हम कहाँ गए थे टूर पर घूमने के लिए? ये तुम्हारी परीक्षा ले रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो या नहीं। अब क्या क्या बातें हुई थी, जो जो ये पूछ रहा है पूरी ईमानदारी से बताओ। बात कुछ नहीं गई थी। नहीं, घूमने कहाँ गए थे? पति बोल रहा है। घूमने केवल हम अपने बेटा को लेके जयपुर गए। नहीं तो वो तो ऑपरेशन कराया था। मैं उसके बाद में फिर कहाँ गई थी? कहाँ गए थे? अरे जयपुर से बच्चे का ऑपरेशन करा के घर पे आ गई, ठीक है। फिर उसका मतलब सालगिरह थी, उसके बाद फिर हम कहाँ घूमने गए थे? क्या गए? रुचि, राज, बच्चे दोनों, चारों लोग। हाँ, गए थे। कहाँ? कहाँ? मंदिर। मंदिर कहाँ? मंदिर पड़ता है वो? देखो कहाँ पड़ता, अभी दिमाग में आ ही नहीं रही। हाँ, याद कर लो, याद कर लो। और कई दिन वहाँ थे? हाँ, कितने दिन रुके? देखो 3 दिन लग गए थे। हाँ। विष्णु देवी गए थे। सही है। आप संतुष्ट हो गए कि आप अपनी माँ से नहीं अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं? कितना दिन हुआ तुमको मरे? हो गए 8 महीना लगभग हो चुके। सही है, 8 महीना लगभग हो गया। ठीक है गीता, मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें कभी मारा, कभी गाली दी, कभी तुम्हें दुखी रखा? किसी बात से हम दुखी थे? नहीं। खाने से, पीने से, हमने क्या क्या तुम्हारे लिए काम किए? मजदूरी की, मजदूरी की, तुम्हारी बात मानी? मैं नशा करता था कोई? हमारी थी गलती, जो मेरा भाई आओ, फिलहाल मैं मेरे पति ने मने करी थी कि इसको ये नहीं बुला। मैंने मना किया था इससे, क्योंकि ये गलत लोग थे, मुझे पता था अगर ये आएंगे कुछ ना कुछ होगा, मगर फिर भी तुमने हमारी बात नहीं मानी। छोटे छोटे बच्चे पता है वो रोते हैं माँ के लिए। मेरी बुद्धि पता है माँ के लिए रोते हैं वो, ये कहते हैं कि मम्मी कहाँ है, मैं किससे मम्मी। अच्छा, मरने के बाद तुम कहाँ गई? कहीं नहीं गए, घर ही में थी। हाँ, घर ही थे, बच्चों के साथ रहती थी। सासू जी के बाद, सासू जी के ऊपर कितने दिन बाद आ गई? सासू जी जब अपने बेटा से जाती थी मिलाई करने जेल में, मुकदमा तब भी। अच्छा, वो लोग मुकदमा भी कर दिए जेल में? हाँ, जाते दहेज का कर दिया था, दहेज के लिए मार दिया। फिलहाल हम रहते तो घर ही। बताओ पूरी कहानी, पूरी दुनिया सुनो। हम घर पर ही रहते थे। तुम्हारा भाई इसको फंसा भी दिया, मुकदमा जेल कर दिया। हाँ। 304B का मुकदमा कर दिया कि दहेज के लिए परेशान किया। मैंने कभी तुम्हें दहेज के लिए परेशान किया? कभी तुमसे ये कहा कि हमें मतलब ये चीज चाहिए या वो चीज चाहिए? मेरा भाई था, पर उसने
खुद हमारे संग। वो चीज छोड़ो, मैंने कभी तुमसे ये कहा कि अपने घर से आज चम्मच लेके आओ? नहीं कही। फिर तुमने वो तो मेरा भाई झूठ बोल गया। अच्छा, फिर उसने साइड के बाद फंसा दिया। हाँ, 4 लाख रुपए की मेरा भाई। सुनो मेरी बात सुन गीता। मैंने कभी तुझसे 4 लाख की डिमांड की कि मुझे 4 लाख रुपए घर से लाके दे? नहीं, नहीं। हम अपना जो भी खाते थे रूखा सूखा, खुश थे ना उसमें? खुश थे? इसका भाई फंसा दिया, 4 लाख रुपया मांग रहे थे। 4 लाख रुपए की मैं दहेज के लिए मांग रहा था, इसलिए मैंने इसका मर्डर कर दिया। दुष्ट दुष्ट, वो सड़ सड़ के मरेगा तुम्हारा। मुझे बता, और मुझे बता, मैं नशा करता था कोई? कि रोज मैं दारू पीता था, कि मैं रोज सट्टा खेलता था, रोज मैं जुआ खेलता था, रोज मैं अय्याशी करता था, ऐसा कभी देखा तूने? फिर तूने मुझे क्यों धोखा दिया भाई, बता मुझे। मैं तेरे लिए तड़पता हूँ। कभी तूने मेरे बारे में सोचा है कि अगर ये इंसान कैसे रोता हो, कैसे रहता होगा? कुछ नहीं सोचा। कभी बच्चों के बारे में सोचा? कुछ नहीं मैंने सोचा, हमारी बुद्धि नष्ट हो गई थी। तुमने अब ये सोचा कि ये छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे हैं। तेरी माँ पालने वाली थी, तेरी बहन भी पालने वाली थी, इसलिए क्या सोचते हम? अच्छा, ये कौन सी बात है? जो एक माँ प्यार बच्चों को दे सकती है, वो कभी हमारी माँ थी या हमारी बहन थी वो दे सकती है? बच्चे हमारे सही रहते हैं। नहीं, सही तो रहते हैं, मगर ये लोग प्यार दे सकते हैं उन्हें? इतने दिन का संग था। अरे संग था, मैंने मान लिया। अरे ये संग नहीं था, ये तो एक एक्सीडेंट है, ये तुमने खुद जानबूझ के किया। दुर्घटना मुझे कहते हैं, जैसे जैसे कोई बीमार एक्सीडेंट हो गया अचानक। मेरे भाई को मैंने कद दे दो तो आज फिलहाल। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे ये कहा, हमारी गलती थी। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने, देख गीता, ये लोग अच्छे नहीं हैं। अपने भाई को भुगाया नहीं, इसको जेल में भिजवाया, और पता है तुझे, तुमको सुसाइड करवाने पे मजबूर किया, तो तुमको उसके ऊपर जाके उससे बदला लेना चाहिए या नहीं? मुझे तू ये बता, कैसे जाते हैं? मेरी बात सुन, पहले मुझे सच सत बात बता। जो तेरी 30 तारीख को बात हुई थी, क्या बात हुई थी उसमें? तो क्या कहा था उसने? बात तो मेरी भाई थी। हाँ। पर मुझे याद नहीं। मेरे झूठ मत बोल, अब मेरे साथ पता है भाई थी बात। हाँ, क्या बात हुई थी? फांसी लगाने गई, फिर भी बात भाई थी। हाँ। भाई। हाँ। तब भाई ने कह दिया ऐसा ना करोगी था फिर क्या कुछ नहीं होता। अच्छा, जो तुम्हें अच्छा लगा वो तुमने किया। किस चीज से फांसी लगाई थी? किस चीज से लगाई थी? हाँ, चिरी थी। चिरी थी? चिरी क्या मतलब? नाइटी की, जो इस चीज को, जो नाइटी की वो फाड़ी थी। अच्छा अच्छा, तो कौन से कमरे में लगाई थी? अच्छा, ऊपर वाले, ऊपर वाले कमरे में, ऊपर वाले में लगाई थी, है ना? तुमने ऐसा क्यों किया हमें ये बताओ। कितनी देर बाद प्राण निकल गई? उसे में तकलीफ हो रही थी, तड़पड़ाई थी? क्या क्या खा के गई थी? कुछ नहीं खा के गए थे, दूध था, दूध हमने लिया था, घर पर कोई हता नहीं, सो हमने भाई दूध पी लो। दूध पी लिया था? दूध पी के फिर सुसाइड कर लिया? हाँ, दूध पी लिया था। और मेरे नाक में सोने की जो रिंग पड़ी हुई थी, क्या बोलते उसे, वो खा ली इसने? वो खा लिया था दूध के साथ? दूध के साथ खा ली थी, मतलब पूरे प्लानिंग कर ली थी, है ना? पूरी प्लानिंग। तो क्या पोस्टमार्टम में निकला वो? ये तो हमें नहीं पता। निकला भी होगा तो डॉक्टर लोग रख लेते। अच्छा भाई, पोस्टमार्टम का मतलब है कैसे मरी क्या है? तो तुमने ऐसा क्यों किया यार, मुझे ये बताओ। किया तो जैसे थो, तेरी बहन भी जेल का जाती और तेरी माँ भी जेल जाती। मगर फिर बच्चों को कौन पालता? बच्चा मेरे होन आश्रम में छुड़वा लेते, इसलिए हमने फांसी लगाई। अनाथ आश्रम में तो अगर तुझे इतनी वो थी, तेरे भैया भाभी ये बच्चों को नहीं पाल सकते थे? अनाथ आश्रम की क्यों बात की? बच्चे हमारे अनाथ आश्रम में पल जाएंगे? शिवानी पे किया, मम्मी पे किया, भाई पे, पापा पे किया, सब पे मुकदमा उन्होंने कर दिया। अगर सब लोग जेल में चले जाते तो मतलब कैसे घर चलता? कहाँ बच्चे रहे? तो बहुत करी थी जेल की, पर कुछ हुआ नहीं। मगर पता है, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम जन्म से ही सत्य पे रहे, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और हम देख ले आ गए समय से पहले, और न दहेज के मुकदमा में बेल नहीं होती है। मैंने मौजूद वारदात पे तुरंत पुलिस बुलाई थी, तेरे घर पे फोन किया मैंने, ठीक है? तब वो लोग आए, गाली दी मुझे, मारा, कोई दोष नहीं। मगर फिर तूने मेरे, उन लोगों ने मुझे क्यों फंसाया, मुझे ये बता। इंसान जिसका जाता है तो वो फिर, अरे तो उसने जो गलती की है तो उसे नहीं पता कि मैंने इससे ये बोला कि तू मर जाओ? फिर ये तो सब बात है, फिर अपनी 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 सब छिपाते हैं। अच्छा, कहा था ये जितना इन्हें गिराए पामे तितना इन्हें ग्राम है, जितना झुकाए पामे इसे। मगर मैं तो उनकी हर बात पे राजी था, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मतलब बच्चों के नाम पे खेती कर दो और मकान कर दो, और जो हमारी चीज है हम तो हर चीज देने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने, ठीक है तुम्हें जैसे सही लगे वैसे हम कर लेंगे। मगर फिर उन्होंने क्यों नहीं हमारी बात मानी?
बहू हुई हो तो मेरा भाई कायल। अच्छा समान तो फिर बहू इसलिए फिर वो माना नहीं। तो तुम्हारा भाई क्या नशा करता है? नशा क्या करता है वो? मेरा भाई फिलहाल कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, बोल भी रही है। तो फिर इतनी गंदी लालच उसके दिमाग में कैसे आ गई? जब उसकी बहन जब हम खत्म नहीं हो गए थे हाँ। तो फिर मेरा भाई भी या मेरी माँ भी इस पर आई है जितना इस पर ले पामा है। अच्छा जितना पैसा आ जाए घीस तान के सब ले लो। इसकी माँ बहन का जेल जेल करवा दे सब। इसलिए हमने कितने आदमी के खिलाफ? 4 लोगों का मुकदमा था। अकेले तुम गए? हाँ। कितने दिन बाद बेल हुई? 8 महीने बाद। बताइए 8 महीने माँ अगर ये ध्यान नहीं देती बच्चों का तो? पुलिस वालों ने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया, 306 की विवेचना की थी क्योंकि मैंने बुला लिया था उन्होंने तुरंत। और अगर मैं गेट तोड़ देता इसे उतार देता तो 304 तो मैं फंस जाता। मैंने क्या गलत किया तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया मुझे बता पहले तू। कुछ हमारा टाइम है तो कुछ हमारी बुद्धि खराब हो चुकी। मैं मानता हूँ तेरा टाइम था मगर भाई तुझे इस तरह से जाना चाहिए था। अब वो तो हो ही गई उससे गलती। कहाँ से आप आ रहे हो? मैं एटा से आ रहा हूँ। एटा से जी। तो कितने साल से आप परेशान थे? लगभग 8 महीना से ही मुझे परेशान कर रही थी ये। हाँ तो कितने बाबी बाबाओं को आपने दिखाया? मैंने 2-4 जगह बात भी की और कुछ फायदा नहीं हुआ। कितना लगभग बाबी बाबाओं को दिया? मैं तो जेल में था और ये इन्हीं लोगों को। अच्छा ये लोग आपकी माँ और जो इधर उधर जो भी गए जल्दी से तो यहाँ आप कैसे आ गए? मैंने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे वीडियो देखा? पहले देखा तो क्या समझ में आया? तो जब मैं तो तभी शुरुआत से ही तैयारी कर रहा था कि कब आपके दर्शन हो। दर्शन नहीं, मैं मामूली सा चपरासी हूँ, आपकी बात मालिक तक पहुँचाने का काम करता हूँ। दर्शन भगवान का होता है। तुम लोग में यही एक अंधविश्वास है कि सबको तुम लोग दर्शन भगवान बना देते हो। भगवान एक ही है ठीक है, तो आप भगवान किसी को दर्जा मत दो भाई। सबका मालिक एक ही है। आप यहां तक आ गए, दर्शन भगवान का होता है। आप यहां आ गए आत्मा दिखाने सुना है, तो आते आते में कोई दिक्कत आई या आसानी से आ गए? नहीं हम तो आसानी से आ गए। जो आपका एड्रेस था वो बहुत अच्छा था और कहीं भटकना नहीं पड़ा। उसके बाद भी लोग हमें फोन करके परेशान करते हैं, लोकेशन बताओ। नहीं 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 गलत, कौन सी ट्रेन पकड़ूं कौन सी प्लेन पकड़ूं ये गलत है। वो जनता हमने सब लिख दिया, जो ना लिखा हो तभी फोन करके पूछा। पर्चा बना रखा था तो जिम में रख लिया था कि हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसे देख लेंगे। कई घंटा लगा यहाँ आपको आने में? लगभग शाम को 9 बजे से ट्रेन थी टूंडला से और सुबह 6 बजे हमें यहाँ उतार। लगभग कई घंटा सफर किया? तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग 10 घंटे। एक साइड 10 घंटा। क्या इसके पहले आपकी पत्नी हाजिर हो जाती थी कहीं घर पे? घर पे आती थी, मम्मी पे आ जाती थी। आ जाती थी। आप घर पे भी इसी तरह बातचीत करते थे? ऐसे करते थे हम। चलो ठीक है, ऐसे करते थे। चलो ठीक है, आप पढ़े लिखे हो जी, आपका वीडियो भी नेट पे जाएगा। कर भला सो हो भला, इसे बहुत से आदमी सुसाइड नहीं करेंगे। सुसाइड किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो सुसाइड नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्या नाम है आपका? गीता। गीता जी सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए ना। अच्छा सुसाइड करके फिर घर ही में रही, खाना पीना खाती हो? श्राद्ध व्राद्ध होता है तो कहते इतने दिन में क्या क्या खाना मिलता था, पूछो जरा। कहाँ खाना खाती थी? खाना बनता तो उसी थोड़ी बहुत। हाँ, जो हमारे घर में रसोई में खाना बनता था उसी में घुस जाती, उसी में चली जाती थी। इस समय कपड़ा क्या पहनी हो? इस समय क्या कपड़ा पहनी है? वही यही बात हम कहते हैं, जो आदमी मरेगा एक्सीडेंट में या सुसाइड करके वही कपड़ा सदा रहेगा। जो कफन दफन आप लोग देते हो उसका कोई मतलब नहीं, जो पहन के मरा है वही पैंट वही शर्ट वही मैक्सी वही साड़ी वही रहेगा सदा। ऐसा क्यों? गीता हम तुम्हें ऊपर भेजने जाते हैं, मुक्ति। मुक्ति चाहती हो? हाँ। ऊपर जाना चाहती हो? चलो मेरी तरफ देखो, इधर जाओ, छोड़ दो इसको, अपनी सासू जी को छोड़ दो, तुरंत छोड़ो इसको तुरंत। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा जी कहाँ से आप आई हैं? इसके पहले क्या हुआ था कुछ याद है आपको? इसके पहले हम लोग कुछ बातचीत किया है
कुछ याद है आपको? ये कौन है आपका? लड़का। ये आपका लड़का है। हम लोग क्या कुछ बातचीत किया, कुछ याद है आपको? हाँ, कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे? सुन रही थी। सुन रहे थे। आप सुन रही थी। किससे हम लोग बात कर रहे थे? हम लोग किससे बात कर रहे थे? इसकी बहू थे। इसकी कौन? बहू। बहू बहू मतलब बीबी। बीबी थी ना, उससे बात हो रही थी। सब बात याद है आपको? मतलब थोड़ा बहुत एक आध बात याद है, बाकी कुछ याद नहीं। वीडियो देखना नेट के ऊपर, फिर आपको समझ में आएगा। आपकी बहू सुसाइड कर ली थी? कितने आदमी को फंसाने का कोशिश किया था? चलो ये जाओ बच्चों में डाल दो। इरादे रोज ही करते हैं, इरादे इरादे इरादे, अरे इरादे जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। सखी नगर नगर सखी नगर नगर में तो शुक्रिया लगा चली मुलाकात।